अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर मिशन एनएमएमएस एग्जाम सब्जेक्ट मैट पीएसीआर क्वेश्चन पेपर जो है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। पूरा 2019 एंड 20 का जो पेपर है उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 1 से 10 तक के क्वेश्चन को हल किए थे, सॉल्व किए थे। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 11 से 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हम पार्ट टू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए डियर स्टूडेंट्स। पार्ट टू में हम जो देखेंगे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से 13 डायरेक्शन दी हुई है, फाइंड द आउट फिगर। ठीक है, आउट फिगर हमको जो है फाइंड करना है, तलाश करना है। ठीक है, यहां देखेंगे सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा होगा आप उतनी जल्दी जो है उतनी क्विकली जो है आप उस क्वेश्चंस को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट बॉक्स में अगर हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शंस में यहाँ पर 2.5 बॉक्स जो है वो फिल किया हुआ है, इसमें 2 बॉक्स जो है वो फिल किया हुआ है, इसमें 2.5 बॉक्स फिल किया हुआ है और इसमें भी जो है 2.5 बॉक्स जो है वो फिल किया हुआ है। तो हम यहाँ पर पहचान सकते हैं, ठीक है, कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर, क्योंकि ऑड फिगर हमको पहचानना है। हर बॉक्स में जो है 2.5 जो बॉक्स है वो हर ऑप्शन में 2.5 बॉक्स फिल है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में ओनली 2 बॉक्स आर फिल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, यहां पर ऑब्जर्व करने के बाद हमको जो चीज समझ में आ रही है जो ऑड फिगर हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 कैसे है कि हर जगह देखेंगे तो आपको जो ये स्मॉल सर्कल है, स्मॉल सर्कल आपको जो है ये बीच में दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो स्मॉल सर्कल जो है ये इस साइड आ गया है। ठीक है, इस साइड में हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर, जो ऑड फिगर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, फिगर को बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों डियर स्टूडेंट्स आपको देखना है। जितनी गौर से आप फिगर को देखेंगे उतनी क्विकली जो है आप जो है उसका जो है आंसर सर्च कर पाओगे। ठीक है, यहां देखेंगे तो ये जो है ये क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। ठीक है, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं और ये भी एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर, ओनली 1 फिगर इज गोज टू क्लॉकवाइज। ठीक है, ओनली 1 फिगर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो फिगर जो है सिर्फ क्लॉकवाइज में जा रही है और अदर जितनी भी फिगर्स है वो तमाम फिगर्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में राउंड हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 14 से 17 डायरेक्शंस दी हुई है यहाँ पर, राइट विच लेटर इन द गिवन सीक्वेंस, राइट विच लेटर इन द गिवन सीक्वेंस रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमको जो है सीक्वेंस में तरतीब में जो फिगर आ रही है, ठीक है, अरे सॉरी तरतीब में जो लेटर्स आ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन से लेटर्स आए, कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा अल्टरनेटिव आएगा, वो हमको क्या करना है फाइंड करना है। हमें देखें क्वेश्चन नंबर 14 है ए जेड सी एक्स एफ यू, तो बहुत ही सिंपल लॉजिक यहाँ यूज किया गया है डियर स्टूडेंट्स कि ए जेड जो है ये अपोजिट फेज वाले लेटर है। ठीक है, कौन से लेटर है अपोजिट फेस, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर आपको अपोजिट फेस का लेटर मालूम करना है तो दोनों के जो पोजीशंस ऑफ नंबर जो दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ए का जो 1 है और जेड का जो 26 है, ठीक है, इन दोनों की प्लस अगर 27 आ रही है तो एक दूसरे के अपोजिट फेस रहेंगे। ये 3 है, 3 है या 24 है,
का पोजीशन ऑफ नंबर जो 3 है एंड x का जो है वो 24 है, दोनों की प्लस जो है वो 27 आ रही है, ठीक है। f का जो पोजीशन ऑफ नंबर है वो 6 है, u का जो है 21 है, दोनों की जो हम देख सकते हैं दोनों पे 27 आ रही है, ठीक है। तो एक लॉजिक तो यहाँ यूज किया गया, देखेंगे उसके बेस पर जो हम जवाब तलाश कर पाते हैं 9 एंड 18, ठीक है। 9 एंड 27 ये भी 27 हो रहा है, 11 एंड 16 ये भी 27 हो रहा है, 10 एंड 17 ये भी 27 हो रहा है, R 18 पे है और ये जो है 19 है, तो ये जो है ये आएगा 37, तो ये तो टोटली रॉन्ग हुआ, लेकिन ये भी 27 है, ये भी 27 है, ये भी 27 है, ये नो ऑप्शन हमको राइट दिख रहा है। देखेंगे यहाँ, यहाँ देखेंगे A से C हुआ है, ठीक है, यानी प्लस 2 हो रहा है, C से F हुआ है यानी प्लस 2 हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है। तो यहाँ से F से प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा 9, आई आएगा आई, ठीक है, आई, और आई जो ऑप्शन नंबर 8 में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर, नंबर 1 इज अ राइट आंसर, ठीक है, प्लस 2 सॉरी प्लस 3 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है, ठीक है, प्लस 3 हो रहा है, देखिए ये एक है, ये 3 है, प्लस 2 यहाँ पर हुआ है, अरे 3 से 6 हो गया है तो प्लस 3 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है 2 प्लस 2 प्लस 3 तो प्लस 4 आएगा, ठीक है, प्लस 4 आएगा, तो F में प्लस 4 करेंगे तो 10 आएगा, 10 नंबर पर J आएगा, ठीक है, कौन सा आएगा, J, ठीक है, अगर Z से X हुआ है, ठीक है, 26 से 24 हुआ है, 24 से 21 हुआ है, फिर माइनस 2 हो रहा है, फिर माइनस 3 और माइनस 4 करेंगे, ठीक है, माइनस 4 करने पर तो 17 आएगा, और 17 पर आने वाला जो है वो Q है, ठीक है, ये 10 और ये 17, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, नॉट 1 इज द राइट आंसर, 1 इज नॉट करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट और 4 इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर। तो ये लॉजिक यहाँ पर यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, सी टी एच पी एम एल पी, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, सी का पोजीशन ऑफ नंबर 3 है, पी का 20 है, एच का 8 है, पी का 16 है, एम का 13 है, एल का 12 है, पी का 16 है, एच का 8 है, ठीक है। अगर हम लॉजिक यूज अगर हम सर्च करें लॉजिक कौन सा आएगा, ये देखेंगे, सी से एच हुआ है यानी प्लस 5 हुआ है, ठीक है, एच से एम हुआ है यानी प्लस 5 हुआ है, ठीक है, एम से पी हुआ है यानी प्लस 3 हुआ है, ठीक है, प्लस 3। अब देखेंगे T से P हुआ है यानी 20 से 16 हुआ है तो माइनस 4 हो रहा है, ठीक है, फिर 16 से 12 हुआ है यानी माइनस 4 हो रहा है, और ये जो है 12 से 8 हुआ है यानी माइनस 4 हो रहा है, ठीक है, माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ हम माइनस 4 लेते हैं, H से माइनस 4 4 आएगा, 4 तो सेकंड नंबर पर D आ रहा है 4 नंबर पर, और D यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है, ये तो कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम प्लस 5 करते हैं, P से प्लस 5 करते हैं तो 21 होगा, ठीक है, 21 होगा, 16 में प्लस 5 होता है 21 हो रहा, 21 जो है 20 आ रहा है, यहाँ प्लस 4 आ सकता है, ठीक है, प्लस 4 माइनस प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है, 3 to 8, 8 to 15, 15 to 13, 13 से 16 हुआ है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर R आएगा, R, ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ प्लस 5 का जो है वो लॉजिक यूज हो रहा है, तो प्लस 5 अगर हम आगे करते हैं तो 18 में प्लस 5 करेंगे तो 23 आएगा, 23 पर आता है W, क्या आता है W आता है 23 पर,
तो इस बेस पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यहाँ पी की जगह पर जो रिप्लेस होगा वो आर होगा, आर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, पी की जगह आर आएगा, ठीक है। तो प्लस 5 और माइनस 4 का लॉजिक यहाँ पर यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। एम एन ओ के पी क्यू आई आर एस जी टी यू, नंबरिंग करेंगे 13 14, 15, 11, 16, 17, 9, 18, 19, 7, 20, 21, ठीक है, 7, 20, 21, ऑब्जर्व करना है हमको। यदि M से K हुआ है तो माइनस 2 हो रहा है, ठीक है, माइनस 2, K से I हो रहा है, माइनस 2 हो रहा है, आई से जी हो रहा है, माइनस 2 हो रहा है। जब माइनस 2 करेंगे तो 5 नंबर पर कौन सा आएगा, 5 नंबर पर आने वाला ई है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 1 ये आ सकता है। आगे देखेंगे, एन से पी हुआ है यानी जो है प्लस 2 हो रहा है, ठीक है, प्लस 2, पी से आर हो रहा है यानी प्लस 2 हो रहा है, आर से टी हो रहा है यानी प्लस 2 हो रहा है। तो टी से प्लस 2 करेंगे तो 22 आएगा, 22 पर आने वाला जो अल्फाबेट है वी है, ठीक है, तो यहाँ पर भी वी है, इस स्पॉट पर भी वी है, ठीक है। अब देखेंगे ओ से क्यू हुआ है यानी जो है प्लस 2 हो रहा है, 15 से 17 प्लस 2, 17 से 19 19 प्लस 2, 19 से 21 प्लस 2, 21 से प्लस 2 करें 23 आएगा और 23 पर आता है डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ पर यू दिया है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ए वाई सी डी वी एफ जी एस आई, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ऑप्शन ये हमको फाइंड करना है। नंबरिंग करेंगे 1 25, सी का 3, 4 22, 6 7 19, 9 ये नंबरिंग कर दी है। अब लॉजिक देखना है, लॉजिक क्या हो रहा है। अगर हम बीच का अल्फाबेट लेते हैं तो 25 से 22 है, माइनस 3 हो रहा है, 22 से 19 हो रहा है, माइनस 3 हो रहा है, तो माइनस 3 करेंगे तो बीच का हमको पता चलेगा, तो माइनस 3 करेंगे पता आ रहा है 16 नंबर पर आता है पी, ठीक है, पी बीच में कौन सा आ रहा है, पी आ रहा है, यहाँ बीच में पी है, ये आ सकता है, यहाँ बीच में पी आ सकता है, ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब ए से डी हुआ है प्लस 3 हो रहा है, यहाँ देखेंगे प्लस 3 हो रहा है, डी से जी हुआ है प्लस 3 हो रहा है, तो प्लस 3 करेंगे, ठीक है, प्लस 3 करने के बाद 10 आएगा, 10 नंबर पर आता है जे, तो यहाँ पर जो एल दिया हुआ तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर, ठीक है। अब उसके बाद में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19, ठीक है, डायरेक्शंस दी हुई है। द फॉलोइंग फिगर इज फोल्डेड, यानी नीचे की शक्ल को मोड़ने पर, फोल्डेड मोड़ने पर टू फॉर्म अ क्यूब, वो एक क्यूब बनता है, ठीक है, क्या बनता है, क्यूब बनता है। ऑब्जर्व द फिगर, फिगर का मुशाहिदा करने एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ट्रिक है, तो ट्रिक को आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए जो एक छोड़कर एक को मिस करना है और फिर उसको इसे बी के सामने जो है, बी के फ्रंट पर जो है वो डी आएगा, ठीक है, P के सामने जो है वो E आएगा, ठीक है, और ये बचा है तो ये एक दूसरे के सामने आएगा, ठीक है, A के सामने क्या आएगा, F आएगा। अब क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच लेटर विल बी इन फ्रंट ऑफ A, लेटर A, A के सामने कौन सा लेटर आएगा, तो यहाँ दिया हुआ देखेंगे, A के सामने कौन सा आ रहा है, F आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।
Which of the following letter will not be adjacent to E? Adjacent मतलब होता है उससे लगकर, क्या होता है? तो E से लगकर कौन सा नहीं आएगा? इसका जो मीनिंग होगा वो इस क्वेश्चन का कि E के सामने वाला कौन सा अल्फाबेट आएगा, ठीक है? E के सामने वाला कौन सा अल्फाबेट आएगा तो हमको तलाश करना है, फाइंड करना है। तो E के सामने आ रहा है C आ रहा है, ठीक है? ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर, ठीक है? ऑप्शन नंबर थ्री इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22-23 देखेंगे। डायरेक्शंस दी हुई है, राइट विच नंबर इन द गिवन सीक्वेंस रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है? ये सीक्वेंस में जो नंबर दिए हुए, सीक्वेंस में तरतीब में जो नंबर दिए हुए है तो क्वेश्चन मार्क जो कौन सा रिप्लेस अल्टरनेटिव होगा वो हमको फाइंड करना है, ठीक है? तो यहाँ लॉजिक देखेंगे, लॉजिक कौन सा यूज हुआ है उस पर हमको कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है? 32, 38, 42, 44, ठीक है? 32 से 38 हुआ प्लस 6 हो रहा है, तो 38 से 44 यानी प्लस 4 हो रहा है, ठीक है? 42 से 44 हुआ है यानी प्लस 2 हो रहा है, ठीक है? प्लस 2 हो रहा है। अब इसको हम रिपीट करते हैं, ठीक है? प्लस 6 वापस करेंगे, प्लस 6 तो 50 आएगा, ठीक है? फिर प्लस 4 करेंगे तो 54 आएगा, फिर प्लस 2 करेंगे तो 56 आएगा, ठीक है? ये आगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक ही नंबर हमको फाइंड करना है, तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, 6, 7, 16, 51, ठीक है? क्वेश्चन मार्क क्या आएगा हमको फाइंड करना है। देखो 6 से 7 कैसे बनेगा ये हमको फाइंड करना है, तो हम 6 × 1 + 1 अगर करते हैं तो 7 आएगा, 6 × 1 + 1, ठीक है? अब 7 × 2 + 2 16 आएगा, 7 × 2 = 14, 14 + 2 = 16, ठीक है? अब 16 × 3 + 3 16 × 3 = 48, 48 में हम 3 प्लस करेंगे तो 51 आएगा, तो 51 × 4 + 4, ठीक है? 51 × 4 = 204, उसमें प्लस 4 करेंगे तो 208, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये लॉजिक यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है? ये लॉजिक यहाँ पर जो है यूज किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, 2, 4, 14, 30, यहाँ क्वेश्चन मार्क जो क्या आएगा हमको फाइंड करना है। देखेंगे 2 से 6 हो रहा है प्लस 4 हो रहा है, 6 से 14 हो रहा है यानी प्लस 8 हो रहा है, 14 से 30 हो रहा है यानी प्लस 16 हो रहा है। देखो ये इंटू 2 के फॉर्म में बढ़ते गए, ठीक है? अब 16 से कितना प्लस करेंगे, 32 प्लस करेंगे, तो 30 में प्लस 32 करेंगे, ऑप्शन हमको मिल जाएगा 62, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, 31, 35, 43, 50, यहाँ क्वेश्चन मार्क क्या आ गया हमको फाइंड करना है। अब अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो 3 + 1 = 4 होता है, और उसी में 31 में 4 प्लस करके यहाँ पर 35 लिया गया है, 3 + 5 = 8 होता है, 8 को 35 में प्लस करके 43 आ गए, 4 + 3 = 7 होता है, 7 को 43 में प्लस करके 50 आया है, अब 5 + 0 = 5 होगा तो 50 में प्लस 5 कर देंगे, हमको ऑप्शन मिल जाएगा 55, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है? तो इस अदद की प्लस जो है अगले अदद में प्लस की गई है, ठीक है? नंबर्स की प्लस जो है उसमें मिलाकर अगला अदद नेक्स्ट जो नंबर है वो लिया गया है, ठीक है? वही लॉजिक यहाँ पर यूज किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 24 to 25 डायरेक्शंस दी हुई है, ठीक है? डायरेक्शंस यहाँ पर दी हुई है, क्या डायरेक्शंस है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर, ये नीचे दी हुई फिगर को हम ऑब्जर्व करना है, मुशाहदा करना है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
और जो नीचे सवाल है तो उसके जवाब देना है बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। जो नीचे दिए अल्टरनेटिव है, मुतबादिल है, ऑप्शन है, उसको हमको सही चूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द फिगर, स्क्वायर्स। ठीक है, यानी कितने स्क्वायर्स जो है उस फिगर में हमको फाइंड करना है। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, तो देखेंगे ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर। ठीक है, बड़ी फिगर में फोर है और सबसे बड़े वाला जो है ये फाइव। ठीक है, ऐसी फिगर यहां भी बनी है तो इसमें फाइव बन जाएगा, फाइव फाइव टेन, और ये इलेवन। ठीक है, और ये ट्वेल्व। ठीक है, तो ट्वेल्व स्क्वायर इस फिगर में हमने काउंट किया, ऑप्शन नंबर थ्री इज अ राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर्स, यानी हमको ऐसे रेक्टेंगल्स देखना है जो स्क्वायर नहीं है। ठीक है, स्क्वायर नहीं है तो उसको हम रेक्टेंगल्स हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो है, अगर फाइंड गॉड हम जो है ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो देखेंगे ये एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, ये दो हो गया रेक्टेंगल, ये तीन हो गया और ये चार। ठीक है, ये चार रेक्टेंगल बड़ी वाली में, तो इसमें भी चार आएगा, चार फोर फोर एट, फोर रेक्टेंगल इधर आ गया, फोर फोर एट। उसके बाद में ये नाइन, ठीक है, फिर ये टेन। ठीक है, फिर ये वाला बनेगा इलेवन, फिर यहाँ पर ये वाला बनेगा ट्वेल्व। तो इस फिगर में टोटल जो है ट्वेल्व रेक्टेंगल है। ऑप्शन नंबर टू इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर टू इज अ राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो है 26 से 28 देखें, 26 से 28 इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम, नीचे दी वेन डायग्राम स्क्वायर रिप्रेजेंट पेंटर, स्क्वायर जो है वो पेंटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सर्कल रिप्रेजेंट सिंगर, सर्कल जो है सिंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल रिप्रेजेंट द आर्टिस्ट, ट्राइंगल जो है वो आर्टिस्ट को, ठीक है, आर्टिस्ट। दो जू प्ले इंस्ट्रूमेंट्स रेक्टेंगल रिप्रेजेंट जेम्स आर्टिस्ट। ठीक है, रेक्टेंगल जो है वो जेम्स आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेम्स आर्टिस्ट। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए सवालों के जवाब बताइए। 26 नंबर देखेंगे, विच लेटर रिप्रेजेंट ओनली जेम्स आर्टिस्ट, ओनली जेम्स आर्टिस्ट हु आर गुड इन पेंटिंग सिंगिंग एंड प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ओनली जेम्स आर्टिस्ट हमको देखना है ऐसा जो पेंटिंग भी करता है, सिंगिंग भी करता है और प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स भी है। ठीक है, सबसे पहले तो जेम्स आर्टिस्ट को हम जो है क्लियर करेंगे, जेम्स आर्टिस्ट है। अब जो पेंटर भी है स्क्वायर में भी आ रहा है, जो सिंगर भी है जो सर्कल में भी आ रहा है, और जो आर्टिस्ट भी है। ठीक है, तो रेक्टेंगल है वो इंस्ट्रूमेंट, प्ले इंस्ट्रूमेंट भी है ना, प्ले इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसा फिगर हमको जो देखना है, जो जेंट्स आर्टिस्ट भी, पेंटर भी, सिंगर भी और आर्टिस्ट प्ले इंस्ट्रूमेंट भी है, तो वो ऑप्शन नंबर जो है, जैसे आई जो है हर फिगर में हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो
आई जो है वो हर फिगर में हमको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। देखेंगे ऑप्शन नंबर आई, तो आई नहीं है वो, इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, आए प्यारे बच्चों यहाँ पर, डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया है, ये आए है। ठीक है, क्या है आए, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और प्रिंटिंग मिस्टेक दे रही यहाँ पर, आए दिया हुआ आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, 27, विच लेटर रिप्रेजेंट ओनली जेंट्स आर्टिस्ट हु आर गुड पेंटिंग एंड सिंगिंग बट नॉट गुड अ प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी ऐसा हमको ओनली जेंट्स आर्टिस्ट दिखना है। ठीक है, जो गुड पेंटर तो है, गुड पेंटिंग करता है, गुड सिंगिंग भी करता है, लेकिन जो है प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन है, पेंटिंग भी है, गुड सिंगर भी है, लेकिन जो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, जो ट्राइंगल में नहीं आएगा, क्योंकि गुड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, गुड प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है वो। ठीक है, तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमको लग रहा है। ठीक है, सॉरी डी नहीं, बी, क्योंकि पेंटिंग में नहीं आ रहे, डी जो है पेंटिंग में नहीं आ रहे, पेंटर में नहीं आ रहे, बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, विच लेटर इंडिकेट्स ओनली जेंट्स आर्टिस्ट हु आर गुड ओनली इन पेंटिंग। ठीक है, जेंट्स आर्टिस्ट भी है और पेंटिंग भी है। ठीक है, तो देखेंगे तो ऐसा जो है सिर्फ हमको जे दिख रहा है, जे। ठीक है, देखेंगे जे है क्या, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 28, विच लेटर इंडिकेट्स ओनली जेंट्स आर्टिस्ट हु आर गुड ओनली इन पेंटिंग, ओनली इन पेंटिंग दे रहे पैर। ठीक है, जो पेंटिंग में भी है, तो पेंटिंग में भी है और जेंट्स आर्टिस्ट को भी क्या कर रहा है, वो बता रहे। विच लेटर इंडिकेट्स ओनली जेंट्स आर्टिस्ट हु आर गुड ओनली इन पेंटिंग, जेंट्स आर्टिस्ट। ठीक है, जेंट्स आर्टिस्ट तो ये है रेक्टेंगल वाला, तो जे घर में जो सही आंसर है उसका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 देखेंगे डायरेक्शंस, इस पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये। डियर स्टूडेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एलिमेंट्स, स्टूडेंट्स, वुमेन, प्लेयर्स, स्टूडेंट्स, वुमेन, वुमेन एंड प्लेयर। ठीक है, तो देखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, देखो अगर हम इसको स्टूडेंट लेते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट बहुत सारे जो है वो प्लेयर्स भी हो सकते हैं और औरतें भी हो सकती हैं स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, जेंट्स लॉयर रीडर, जेंट्स लॉयर रीडर, डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है ना परीक्षा परिषद ने जो है कैंसिल किया था। ठीक है, क्या किया था, कैंसिल किया था ये क्वेश्चन, जो परीक्षा परिषद ने जो है वो कैंसिल किया था। ठीक है, तो जो क्वेश्चन परीक्षा परिषद कैंसिल करती है उसकी मार्क्स डियर स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, उसकी मार्क्स जो है वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहां पहुंचकर हमारा पार्ट 2 जो है वो यहीं पर
एंड होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के साथ में हम अगली वीडियो में आएंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।